गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को दिया था कि व्हाट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो आप लोगों के टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में मैंने ढेर सारी बातें बताया था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल के संक्षिप्त में उसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, ये भी बात मैंने आप लोगों को बता दिया थी, उसका कैरेक्टर्स भी मैंने आपको बताया। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। आपके सेरोलॉजी के अकॉर्डिंग पर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका नोटेड भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये आप लोगों का स्केच है, व्हाट इज दैट या टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आपके डीवर्टी के सिलेबस में कितना पढ़ना है मैं यहाँ यही बता दूंगा कि कौन कौन से रिएक्शन आपको लगभग पढ़ने हैं और इन सब के बारे में डिटेल में आगे होगा। फिलहाल देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जो सबसे पहला रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये परिचित है आप लोग इससे प्रेसिपिटेट शब्द से, मैं बताता हूं। नेक्स्ट मिलता है आप लोगों का एग्लूटिनेशन टेस्ट। क्या मिलता है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या कहलाएगा? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। चौथा क्या होता है? एलाइजा, जिससे आप लोग भली भांति परिचित है। व्हाट इज एलाइजा? इसका फुल नेम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, अच्छा ये वगैरह टेस्टिंग की बात आएगी, इसमें आगे डिटेल मिलेगा आपको सिलेबस में भी। नेक्स्ट जो होता है आपको मिलना क्या क्या देखेंगे? इम्यूनोफ्लोरेसेंस। कौन सा रिएक्शन है? इम्यूनोफ्लोरेसेंस। इसके बाद अगला न्यूट्रलाइजेशन, फिर नेक्स्ट रेडियो इम्यूनो एसे, और लास्ट में होता है आपका सेल लाइसिस, जिसमें दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। इन दोनों रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी उसके बाद इनके बारे में भी थोड़े थोड़े टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे, कुछ रिएक्शन इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है मस्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम आप लैब में जो सेरोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? या तो प्रेसिपिटेशन या फिर एग्लूटिनेशन। और खास करके सबसे ज्यादा एग्लूटिनेशन होता है। आप लोग ब्लड टेस्ट भी लगा ब्लड टेस्ट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग का वो भी किस पर आता है? आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन, यानी जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ओके, तो ये तो हुआ आप लोगों का टाइप्स ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देर आर एट टाइप्स ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फर्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन, सेकेंड इज एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एलाइजा, इम्यूनो फ्लोरेसेंस, न्यूट्रलाइजेशन एंड रेडियो इम्यूनो एसे, एंड लास्ट होता है सेल लाइसिस। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहां पर आपको दिया गया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे भी डिफिनेशन में मिलेगा इसका कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा एक वर्ड है प्रेसिपिटेट, कहते किसे हैं? आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे ये सपोज दैट ट्यूब है, ट्यूब में कोई सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में कोई दूसरा कंपोनेंट हमने मिलाया, सपोज दैट मान लेते हैं एक ऐसे एकदम सिंपल एग्जांपल में
ये है मान लेते हैं वाटर है, लेकिन कैसा मतलब एक हमने उसमें डस्ट मिला हुआ वाटर ले लिया या धूल के कण या जो भी बालों के ऊपर कुछ भी, अब हमने इसमें क्या मिला दिया फिटकरी। जैसे मिलाते हैं इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कहां बैठ जाते हैं नीचे, इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट का होना। ये क्या हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ। ओके तो ऐसा ऐसा रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी का ऐसा रिएक्शन जिसमें एंटीजन को मिलाते ही एंटीबॉडी यहां पर क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आगे आएगा डिनोमिनेशन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप लोगों ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखा क्या कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर सेरोलॉजिकल एसिड। क्या होता है ये सेरोलॉजिकल एसिड के अंतर्गत आता है, सेरोलॉजिकल सेरोलॉजी के अंतर्गत है। फॉर द डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसके लिए किया जाता है, ये क्या करता है डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स जो किसको डिटेक्ट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल को आई मीन आईजी लेवल को, किसमें फ्रॉम द सीरम ऑफ पेशेंट विद इन्फेक्शन। सपोज दैट कोई ह्यूमन पर्सन है वो किसी डिसीज किसी से इन्फेक्टेड है, वायरस फंगस बैक्टीरिया जिससे भी वो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड ह्यूमन का या इन्फेक्टेड पर्सन का या उस पेशेंट का क्या ले लेते हैं सीरम, और उस सीरम में हम लोग क्या करते हैं भाई आईजी लेवल का आईजी का लेवल चेक करते हैं, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल चेक करते हैं। तो जब किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के सीरम में आईजी लेवल को हमको क्या करना हो मेजर करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसे करेंगे अभी आगे मिलेगा आपको। दिस रिएक्शन ये रिएक्शन बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, याद रखना प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है डिपेंड किस पर होता है भाई, ये डिपेंड होता है इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों के बीच के इंट्रैक्शन से जो रिएक्शन रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीजन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई मीन ये दोनों इंट्रैक्ट हो, इंट्रैक्ट होने के बाद ट्यूब में क्या हो जाए नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए। ओके तो इसका आप लोग डिफिनेशन पर लिख लीजिए कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, कैसे लिखेंगे फ्रेन सॉल्युबल एंटीजन, फ्रेन सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विथ कंबाइंस विथ किट्स एंटीबॉडीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या सीएल का सल्फर है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनएसीएल है सुटेबल टेम्परेचर सुटेबल टेम्परेचर कितना लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच, और क्या लेते हैं पीएच लगभग 7.4 टेम्परेचर कितना लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक एंड पीएच
the antigen antibodies complex forms, okay, complex forms, and insoluble insoluble precipitate R, or इसको और क्या लिख सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन, द रिएक्शन विच अकर अकर्स व्हेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी कंबाइंस विथ combines with soluble antigen, ठीक, soluble antigen is known as precipitation reaction. इतना देखते हैं, क्या था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर सेरोलॉजिकल एसे फॉर द डिटेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स. आई मीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सेरोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग किसके लेवल को चेक करते हैं भाई, आईजी लेवल को, किसमें, पेशेंट के सीरम में, कोई इन्फेक्टेड, कोई डिसीज से रिलेटेड कोई पर्सन है या ह्यूमन पेशेंट है, उसका सीरम लेंगे, उसके सीरम में हम लोग क्या टेस्ट कराएंगे, क्या चेक करते हैं, आईजी का लेवल. जनरली ये जो रिएक्शन होता है किस पर डिपेंड होता है भाई, इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडीज के आपस के रिएक्शन के आपस में जो इंटरेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, उसी पर बेस्ड होता है. तो हम इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं भाई, इसका डिफिनेशन दे सकते हैं व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विथ इट्स एंटीबॉडीज, कोई सॉल्युबल एंटीजन है, इसको देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं. व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विथ इट्स एंटीबॉडीज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज जैसे एनएसीएल एट सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच, द एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, अथवा इसको ले सकते हैं द रिएक्शन विच अकर्स व्हेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी कंबाइंस विथ सॉल्युबल एंटीजन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसको ऐसे समझिए आप, सपोज दैट मान लेते हैं तीन ट्यूब है,
ओके, दूसरा है सस्पेंशन, ये बना आपका प्रेसिपिटेट और वह सॉल्वेंट है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होता है प्रेशर सॉल्यूशन? आपने लिखा व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विद इट्स एंटीबॉडीज। सपोज दैट हमने ह्यूमन का सीरम लिया, ओके, और उसमें हम क्या मिक्स करते हैं? एंटीजन मिक्स करते हैं। व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन कंबाइंस विद इट्स एंटीबॉडी, मतलब कोई सॉल्युबल एंटीजन है वो कंबाइंस होता है अपने एंटीबॉडीज से इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये ट्यूब मान लेते हैं, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? NaCl, मतलब एक सॉल्यूशन बना करके तैयार है। इस तरीके से आप लोग एंटीजन से ब्लड ग्रुप करते हैं, वहां पे एंटीजन यूज करते हैं, ये एंटीजन है, ओके। वो कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट, उसमें NaCl है और एक फिक्स एंटीजन कोई है किसी, हमने इसको मिक्स करके लिया है। ह्यूमन का सीरम लेते हैं, अभी देखो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन है, हमने इसमें इसको ड्रॉप किया। जब इसको ड्रॉप करते हैं एंटीजन को, तो अब ये क्या बनाता है? सस्पेंशन बना, क्या बना? सस्पेंशन बना। अब ये सस्पेंशन कुछ देर के बाद देखोगे तो किसमें बदल जाएगा? सुपरनेट में। और इसमें देखो यहां पर ये जो सस्पेंशन बना है, सस्पेंशन में क्या बन रहा है आपका? कॉम्प्लेक्स बनता है, जो मैंने आपको भी दिया, क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स आगे इंटरेक्ट होते हैं आपस में, कौन सा? एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट होकर के क्या बनाते हैं? प्रेसिपिटेट करते हैं। तो ये हुई प्रोसेस आपका प्रेसिपिटेशन। देखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। यहां पर क्या बनता है आपका? कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना, एंड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और क्या बनाता है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट बनता है ये कैसा होता है? इनसॉल्युबल। पहले क्या था आपका? सॉल्यूशन था, सॉल्युबल। जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा आपका? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यह तो होता है रिएक्शन, अथवा हम इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं, द रिएक्शन विच अकर्स, ऐसा रिएक्शन जब कब पाया जाए? व्हेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी कंबाइंस, जब कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी कंबाइंस होता है विद सॉल्युबल एंटीजन से। मतलब ये कि ह्यूमन का सीरम है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं ह्यूमन का सीरम है, हमने इसमें क्या किया भी? सीरम है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी। अब इस एंटीबॉडी में हमने इसके सुटेबल क्या मिलाया? एंटीजन। जैसे एंटीजन मिलाते हैं ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कन्वर्ट इनटू किसमें हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जिस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? प्रेसिपिटेशन। यही है सॉल्युबल एंटीजन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। इसके बाद इसमें आप लोग कुछ लाइनें और भी हैं, उसको नोट करिए। Precipitation remains suspended in steam, suspended in steam of sedimenting of sedimenting called
द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बताते हैं। दूसरा और अगला ले सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अकर्स इन इंपॉर्टेंट आइटम इन लिक्विड मीडियम। किसमें पाया जाता है? इन लिक्विड मीडियम अथवा सेमी लिक्विड, मतलब जल जल है, सेमी लिक्विड मीडियम, सेमी लिक्विड मीडियम एज लाइक, जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, अगार जल, ठीक है, अगार जल ले सकते हैं, और क्या हो सकता है, एगेरोस, एगेरोस हो गया, एंड या फिर इस तरीके से उसमें मिक्स करते हैं तो एज अ पार्टिकल ग्रुप में डिफरेंट अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, जो कि फ्लोकुलेट होते हैं, चमकदार स्टाइल की। तो यहां पे याद रखना कि जो सस्पेंशन बनता है, या ऐसे कर सकते हैं कि जो सस्पेंशन मीडियम बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। फ्लोकुलेशन के बाद क्या होता है, आपका प्रेसिपिटेट होता है आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, यानी जैसे मिक्स किया कॉम्प्लेक्स बना, सस्पेंशन बना, तो पहले क्या दिखाई देगा, फ्लोकुलेशन होगा। फ्लोकुलेशन के बाद अगर उसमें पॉजिटिव केस है, आई मीन जो एंटीजन आपने मिलाया है, जो एंटीजन मिलाया है उसके अगेंस्ट अगर सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा। अगर नहीं मिला, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, सस्पेंशन केवल फ्लोकुलेशन बन करके दिखता रहेगा, आई मीन वो सस्पेंशन बना रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। जब तक प्रेसिपिटेट नहीं होगा तब तक हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे। ओके, तो इस लाइन में यही था, फिमेल द प्रेसिपिटेशन रिमेन्स सस्पेंडेड इन स्टील सेमी लिक्विड मीडियम हो सकता है। जैसे कि हम अगार जेल की बात कर लें, या एगारोज की बात कर लें, या फिर पॉलीक्रिलामाइड की बात कर लें, तो ये कैसे होते हैं, जेल होते हैं, यानी लिक्विड मीडियम होते हैं। और ऐसे लिक्विड मीडियम में क्या रिएक्शन होता है, आपका प्रेसिपिटेशन। ऑलरेडी याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन गिव्स कब होता है, जब हम उसमें सॉल्यूशन यानी क्या लेते हैं, मीडियम कौन सा, लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम ऑलरेडी कौन सा देता है, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देगा। ओके, तो ये तो था आप लोगों का ओवरऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर सेरोलॉजिकल एसे, मैंने क्या बताया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सेरोलॉजिकल एसे होता है, सेरोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग किसको डिटेक्ट करते हैं भाई, जिसमें हम डिटेक्शन करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स को, इसको डिटेक्ट करते हैं इम्यूनो यानी आईजी लेवल को, इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल को, एंटीबॉडी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोग एंटीबॉडी को क्या करें, मेजर करें, उसको मापे किसमें, सीरम ऑफ पेशेंट, पेशेंट का जो सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज को क्या करना, या उसमें आईजी लेवल को क्या करना, मेजर करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, किस पर बेस होता है, पहले मैं बताया जा चुका है कि एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होगा, इंट्रैक्शन होता है। व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, आपस में क्या करें, इंटरेक्ट हो, आपस में इंट्रैक्शन उनका बढ़े, उनका इंट्रैक्शन रिएक्शन होता है, इस बेस पर होता है। व्हाट इज द डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, मैंने उसको दिया है कि व्हेन अ सॉल्युबल एंटीजन, मैंने आपको बताया
कि जब कोई सॉल्युबल एंटीजन, जैसे कि आप लोग लैब में देखा होगा आप लोग एंटीजन लेते हैं, सॉल्युबल एंटीजन क्या होता है भाई, कंबाइंस विद इट्स एंटीबॉडी। कोई भी सॉल्युबल एंटीजन है वो अपने एंटीबॉडीज के साथ क्या हो, कंबाइन। कंबाइन होने के बाद, कंबाइन किस केस में हो, सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल पीएच। मैंने बताया कि रूम टेम्परेचर आई मीन 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक रूम टेम्परेचर, ये इनका सुटेबल टेम्परेचर और सुटेबल पीएच 7.4 लगभग। इन दोनों के प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में कोई भी सॉल्युबल एंटीजन, कोई भी सॉल्युबल एंटीजन जब एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है, एंटीबॉडी कहां मिलेगा भाई, ह्यूमन के सीरम में। हमने ह्यूमन का सीरम लिया, आई मीन इन्फेक्टेड पर्सन का सीरम लिया, और इसमें हमने क्या कोर कर रहे हैं, इसमें हम लोग कोर कर रहे हैं सॉल्युबल एंटीजन। जब सॉल्युबल एंटीजन, जैसे यहां पर सॉल्युबल एंटीजन हमने लिया, ओके, और ये हमारा आपका क्या सीरम सल्फोनेट है। अब ये सॉल्युबल एंटीजन था, ये कैसे बना, ये क्या बना, सॉल्यूशन है, सॉल्युबल कैसे सॉल्युबल है, एंटीजन है, एंटीजन में क्या मिलाया गया है, एनएससीएल या कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है। अब इसको हमने क्या किया, कोर किया। जब इसके कोर करते हैं, इसमें गिराते हैं, तो ये क्या करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन केस में क्या बनाते हैं लोग, कॉम्प्रेस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्प्रेस। कैसा कॉम्प्रेस बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की कॉम्प्रेस। और जब कॉम्प्रेस बनाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्ट होता है। इसी कॉम्प्रेस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोक्रेशन बोलते हैं। तो अब ये क्या हुए, आपस में रिएक्ट हुए, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन किए। रिएक्शन करने के बाद जैसे ही लोग रिएक्ट होते हैं, आपको सम टाइम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद क्या होता है, देखेंगे वहां उस ट्यूब में क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है वो नीचे क्या जाता है, प्रेसिपिटेट हो गया, और बाकी ऊपर क्या बन जाता है, सुपरनेट। दिस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यही मैंने आप लोगों को बताया था, ओके। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा कि टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जो ये टॉपिक चल रहा है इसमें, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन पढ़ना था। ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, आपको सिलेबस में पूरा डिफिनेशन अभी है, आगे इसके बारे में एक चैप्टर ही है जिसमें आप लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसका टाइप पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा, जब आगे पढ़ाएंगे हम आपको, तो अगले टॉपिक में आपको मिलेगा कि टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कितने होते हैं। जैसे अभी यहाँ आप लोग जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर वहां पर आपको चलेंगे टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें भी तीन बेस पर मिलेंगे आप लोगों को, प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होना, और अगार में प्रेसिपिटेशन होना, और अगार के साथ में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए। आगे जो इनको डिफाइन किया जाएगा, या इनको जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्लासिफाइड किया जाएगा, इसको तीन बेस पर क्लासिफाइड किया जाएगा। याद रखना कि नेक्स्ट जो चैप्टर में रहेगा, इसलिए यहाँ पर हल्का बता रहा हूँ कि एक तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, पहला जो बेस होता है कि प्रेसिपिटेशन हो किसकी वजह से, ये वाला मैंने बताया कि सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन, सॉल्यूशन द लिक्विड मीडियम हो, सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन हो, एक तो ये मिल जाएगा। इसमें भी कई मिलेंगे रिएक्शन, कई प्रकार के मिलेंगे, जैसे कि उसमें मिलेगा आप लोगों को रिंग टेस्ट मिल जाएगा, फ्लोक्रेशन टेस्ट मिल जाएगा, इस तरीके से इसमें मिलेंगे रिंग, फ्लोक्रेशन और उसमें स्ट्राइड टेस्ट। तो अब जैसे प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन की बात करें, इसमें मिल जाएगा आपको रिंग टेस्ट, स्लाइड टेस्ट और फ्लोक्रेशन, जो भी वर्ड आया फ्लोक्रेशन टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ये भी आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन इन द जेल किसमें हो जाए, जबकि जेल भी किसमें आता है, लिक्विड मीडियम आता है, भले लिक्विड ना हो लेकिन सेमी लिक्विड होता है। तो प्रेसिपिटेशन इन द जेल की जो बात करेंगे, उसमें भी कई मिलेंगे आप लोगों को, जैसे ऑडिल है, फिर ओक्लेव यूट्रोफिन जिसको बोलते हैं, रेडियल है, फिर ऑक्ट्रलोनी, ऐसे कई प्रकार के आपको रिएक्शन वहां पर जेल वाले मिलेंगे। और जब हम बात करेंगे जेल मतलब अगार, जेल के साथ अगार के साथ हम क्या लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए, तो दो तरीके मिलेगा उसमें, एक रॉकेट इम्यूनोफोरेसिस, एक मिलेगा आप लोगों को रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा मिलेगा आप लोगों को काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरीके से इतने टाइप्स हैं जिनमें सभी के बारे में आप लोग पढ़ना है, इम्यूनोफोरेसिस जो हो रहा है इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ना है, रॉकेट और काउंटर ये भी आपके सिलेबस में, इसके बारे में पढ़ना है, जेड इम्यून पढ़ना है और सॉल्यूशन वाले भी पढ़ना है। इसमें आप लोग कई प्रकार के टेस्ट आ जाएंगे, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं, कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं,
या प्रेसिपिटेशन टेस्ट में कौन कौन से लैब में कौन कौन सा टेस्ट आता है और हम लोग क्या क्या लगाते हैं, वो सब चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक रहेगा कि यूजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का यूज कहां कहां होता है। अभी तो आपने डिफिनेशन जान लिया, मैंने हल्के में आप लोगों का इसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया जो कि आगे आप लोगों को मिलेगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है, हम तो पढ़ तो लिए फ्लो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन ये नहीं जाना कि इसका यूज कहां कहां होता है। तो जो अगली टॉपिक आप लोगों को मिलेगा वो यही रहेगा कि यूजेस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।